ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तिकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुश शुक्रः शनि राहुकेतु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सूर्या सूर्यमतेन्द्रच पद्मिं शनमङ्गलं मङ्गला सद्बुद्धिं बुधश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करो सत्तं केतुकुलशुन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नुकूला ग्रह। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रोगी में आपका स्वागत है। मैं आचार्य एसएस जोशी। दर्शकों, एस्ट्रोगी की इस खास सीरीज मासिक राशिफल में आज हम बात करने जा रहे हैं दिसंबर महीने के राशिफल की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक खास अपील, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश भी करें। दर्शकों, दिसंबर महीने की जो शुरुआत हो रही है वो सिंह लग्न और सिंह राशि में हो रही है। आपकी राशि में मंथ के जो शुरुआत में जो ग्रहों की स्थिति है उससे आपकी राशि में क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, किस प्रकार दिसंबर महीना आपके लिए रहने वाला है, इस वीडियो में हम आपकी राशि के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ के स्वामी बुध जो है आपकी राशि से छठे घर में विराजमान है। वो सूर्य के साथ और बृहस्पति के साथ विचरण कर रहे हैं, गोचर में कर रहे हैं, तो निश्चित है कि स्वास्थ्य संबंधित आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो लोग हृदय से संबंधित रोगों से परेशान हैं, या कोई हम कह सकते हैं लंग्स जो फेफड़े हमारे होते हैं इनसे संबंधित रोगों से परेशान हैं, तो मुझे लगता है उनको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। शुरुआती 15 दिन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी स्वास्थ्य संबंधित चिंताएँ बढ़ने वाली हो सकती है। मिथुन राशि में आगे बात करेंगे आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ की। तो लव लाइफ वालों के लिए जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र बन रहे हैं, और शुक्र जो है स्वराशिगत मतलब आपकी राशि से पांचवें घर में ही विराजमान है, तो निश्चित है कि आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छे रहने वाली है। और जो लंबे समय से प्लानिंग में थे कि हम इसको जो है इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं या हम इसको शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अनुकूल समय है, वो इसको बांध सकते हैं। हाँ, जो लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे जो लव लाइफ है वो शुरू हो, तो मुझे लगता है उनके लिए भी अनुकूल समय है, वो भी अब इस अपना प्रयास में इस महीने में जारी रख सकते हैं। आगे बात करते हैं अपने दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति आपकी राशि से छठे घर में बुध और सूर्य के साथ विराजमान है। छठा घर हमारा शत्रु का घर होता है, तो मुझे लगता है कि कोई तीसरा व्यक्ति जो है आपकी पर्सनल लाइफ को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपको दूसरे के बहकाव में बिल्कुल नहीं आना है। अपने मसलों को आप खुद हल कर सकते हो, अपने जो विवाद हैं जो परेशानियाँ हैं उनको आप खुद हल कर सकते हो। तीसरे व्यक्ति को बीच में जगह ही मत दो, क्योंकि वो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है। अगर आप दोनों ने प्रयास किया अपने मसलों को हल करने का, अपने मुद्दों को सही करने का, तो आपकी पर्सनल लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। और अगर तीसरे की बात सुनी तो उसके परिणाम आपको अपने सामने देख भी रहे होंगे और आगे आपको वही दिखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यापार की। तो व्यापार के स्वामी बृहस्पति हैं, वो आपकी राशि से छठे घर में विराजमान है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो परेशानियाँ जो अड़चने आप अपने व्यापार में देख रहे थे, जो आपके काम के बिल्कुल रुक रुक के हो रहे हैं, मुझे लगता है कि शुरुआत के 10-15 दिन तो उसी प्रकार के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर परेशान ना हो, क्योंकि मैं जो महीने के मध्य के बाद का जो समय देख रहा हूँ वो आपके व्यापार को बहुत अच्छी गति दे रहा है, बहुत अच्छी स्पीड दे रहा है। तो मुझे लगता है क्यों हमें 15 दिन चिंता करनी है, क्योंकि व्यापार तो आगे चलकर अच्छा हो ही रहा है। आगे बात करते हैं आपके जो नौकरी कर रहे हैं, जो लोग जो कहीं ना कहीं अपने रोजगार में जुड़े हुए हैं,
उनका जो स्वामी बनता है वो भी बृहस्पति है, और सेम कंडीशन आपकी राशि से छठवें घर में वो विराजमान है, सूर्य और बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। निश्चित है आप भी अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी दबाव और काफ़ी मैं कह सकता हूँ उदासीनता आप महसूस कर रहे हैं कि जो आपको बोरिंग सी लाइफ आपकी हो गई, कि लंबे समय से यही काम कर रहे हैं। तो दिसंबर के महीने में मुझे लगता है कि इससे आपको छुटकारा तो नहीं मिलने वाला है, बट अपना प्रयास आप अगर लगातार रखेंगे, जो आप स्थान परिवर्तन, जो परिवर्तन या कुछ और चीज़ों के जो विकल्प आप तलाश रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको आपको देखना पड़ेगा, वही आपके लिए अच्छा रास्ता भी होगा और वही आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार की परेशानी से बाहर निकालने वाला भी रहेगा। वहीं जो जातक मिथुन राशि वाले हैं और काफ़ी समय से नौकरी से दूर हैं या किसी प्रकार के व्यवसाय के बारे मतलब व्यवसाय करने की सोच रहे थे और वो सफलता नहीं उनको मिल पा रही है, तो मुझे लगता है कि महीने के जो है 15 दिन तो वही उसी प्रकार के उनके रहेंगे जो परेशानियाँ चल रही थी। हाँ, महीने के अंत में ज़रूर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। इसका अर्थ है कि जो लोग नौकरी की चाह रख रहे हैं, नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको नौकरी दिसंबर के महीने में चाहे अंत में ज़रूर बट ज़रूर मिल रही है। तो कृपया जो शुरुआती दिन है वहाँ पर अपना प्रयास, अपनी मेहनत जारी रखें और आपका इस मेहनत और इस प्रयास का फल आपको मिलने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए आगे बात करेंगे फाइनेंस की, कि पैसे की स्थिति दिसंबर के महीने में आपके लिए कैसे रह रही है। तो लाभ के स्वामी आपके मंगल हैं, जो कि आपके राशि से भाग्य स्थान में विराजमान है, और जो धन के स्वामी हैं वो चंद्रमा है और वो आपकी राशि से तीसरे घर में विराजमान है, पराक्रम क्षेत्र में। तो फाइनेंस का मामला अगर मैं देखता हूँ तो दिसंबर महीने में आपके लिए काफ़ी अच्छा मैं देख रहा हूँ। हाँ, ज़रूर शुरुआत आपको ज़रूर लगेगी कि शुरुआती कुछ दिनों में हमें कुछ बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है, बट महीने के जो 15 दिन के बाद अगर मैं देखता हूँ वहाँ से आपकी धन की स्थिति काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। जो व्यापारी वर्ग हैं उनका अभी कहीं ना कहीं से जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो अच्छी मात्रा में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा धन के मामले में। और जो लोग नौकरी पेशा कर रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं महीने के अंत में मैं कह सकता हूँ कि धन के जो स्थान है वो काफ़ी संतोषजनक रहने वाला है। दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिष आकलन पर बनाया गया है, हो सकता है आपकी राशि से ये भिन्न हो, इसके लिए आप एस्ट्रोयोगी पर मुझसे ऑनलाइन परामर्श कर सकते हैं। मुझसे परामर्श करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, वहीं हमारे कूपन कोड YT50 का आप उपयोग करके अतिरिक्त लाभ भी ले सकते हैं। अन्य राशियों की जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहां पर आपको अन्य राशियों की जानकारी भी मिल जाएगी। तो दर्शकों, इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एस्ट्रोयोगी। नमस्कार।